मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट के दिए आदेश पर सपा नेता आजम खान ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। आजम खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहा हूं, लेकिन ऐसे आदेशों से मामला रुकता नहीं है, क्योंकि देश के माहौल में जहर घोलने में प्रधानमंत्री ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो मशवरा मिलता है वो कर, सुप्रीम कोर्ट को किसी से जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को यह भी मालूम है कि सरकारों का कितना लचर रुख है। सुप्रीम कोर्ट को यह भी मालूम है कि चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री जी ने दिवाली और ईद पर बिजली मिलने के विवाद को खड़ा किया और कहा कि दिवाली पर बिजली नहीं मिलती, ईद पर मिलती थी। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि कब्रस्तानों की दीवारें बनी और शमशानों की नहीं बनी। माहौल में जहर घोलने में प्रधानमंत्री जी ने कोई कसर उठाकर नहीं रखी। देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं ईद नहीं मनाता, जबकि हमारा संविधान सर्वधर्म सम्मान का संविधान है। संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हुए लोग जब संविधान का उल्लंघन करें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को किसी से गवाही लेने की जरूरत नहीं है।